राकेश, अरे उठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या यार आरती, सोने दो ना। रात भर सोई रही थी क्या? उठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बताओ यार, क्या बात करनी है? बताओ बताओ, क्या कह रहे थे तुम रात कि तुम्हारा फोन नहीं लगता और वो नहीं होता? तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुमने मुझे किस तरह का फोन दे रखा है? यार सुबह हुई नहीं और तुमने फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया। ये पूछने से तो गए क्या कि तुम नाश्ते में क्या खाओगे, क्या पियोगे, और तुम्हें सुबह उठते ही चाय बनानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़ाई करनी है ना। मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आगे से तुम मुझे फोन करो तो मेरा फोन लग जाए, इसलिए मुझे नया फोन ला दो। यार मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूँ नया फोन, मेरी तो अभी कोई जॉब भी नहीं लगी है। देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, मुझे फोन चाहिए। और हाँ ये तो सुन लो कि फोन कौन सा लूंगी मैं। कौन सा फोन चाहिए? मुझे चाहिए आईफोन। यार तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है आईफोन कितना महंगा आता है? मुझे उस चीज से कुछ मतलब नहीं है। तुम्हें पता है जब मैं रात पार्टी में गई थी ना, तो मेरे सारे फ्रेंडों के पास आईफोन था, वो ऐसे से वीडियो बना रहे थे, और एक फ्रेंड तो मुझे इतना चिढ़ा रही थी ना बहुत ज्यादा, मुझे शर्म इतनी आ रही थी कि मैंने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर लिया ताकि किसी का फोन ना आए और मैं उसे बाहर ना निकालूं। हाँ तो ठीक है, आज के बाद तुम पार्टी में नहीं जाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं तुम्हारी वजह से पार्टी छोड़ दूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए, वो भी आईफोन, समझे तुम? और वैसे भी शादी से पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जो तुम मांगोगी वो ला कर दे दूंगा, आईफोन ला कर दे दूंगा, कोई सा भी कुछ भी ला कर दे दूंगा। और अब ये कह रहे हो कि मैं कहां से ला कर दूं? और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे जॉब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस फोन चाहिए। अब तुम मुकरो मत। ठीक है, जब तुम ऐसा बोल रही हो तो मैं आज ही बाबूजी से बात करता हूँ। क्या बाबूजी से बात करता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बाबूजी के पैसों से नहीं, तुम्हारे खुद के पैसों से चाहिए आईफोन। है यार तुम पागल हो गई हो, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, मैं तो कोई जॉब भी नहीं करता हूँ। जॉब नहीं करते हो तो मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना। तुम्हें पता है एक बीबी का सपना होता है कि वो अपने पति के पैसों पे राज करे और उसके कमाए हुए पैसों से सामान खरीदे। बेटा मेरी एक बात तो गांठ मान, माँ बाप की कमाई पर तो एक क्या, दो क्या, चार क्या, 50 गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन बीवी हमेशा खुद की कमाई पर टिकती है। बेटा ये लड़की नाम का प्राणी ना बड़ी गजब चीज है, अगर सही टाइम से आए तो लाइफ बना देती है, लेकिन अगर गलत टाइम पर आ जाए तो लाइफ और करियर क्या, पूरे घर को बर्बाद कर देती है। तुम जॉब नहीं करते तो इससे मैं क्या करूं? अगर तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी थी तो पहले जॉब करते ना, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने बाबूजी को भेज दिया मेरे घर रिश्ता लेके। क्या कहा तुमने, मैंने भेजा था तुम्हारे घर रिश्ता लेकर? अरे यार इसमें तुम्हारी भी तो मर्जी थी, हमारी दोनों की तो लव मैरिज हुई है ना, तो तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? चलो माना कि मेरी मर्जी थी तुमसे शादी करने की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम शादी के बाद भी अपने बाप के पैसों पे पलोगे। देखो मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, और हाँ मुझे ना आईफोन तुम्हारे कमाए हुए पैसों से चाहिए, ना कि तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसों से, समझे तुम? बेटा मेरी एक बात तो गांठ मान, माँ बाप की कमाई पर तो एक क्या, दो क्या, चार क्या, 50 गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन बीवी हमेशा खुद की कमाई पर टिकती है, लेकिन बीवी हमेशा खुद की कमाई पर टिकती है, खुद कमाई पर टिकती है, कमाई पर टिकती है, कमाई पर टिकती है। अरे बेटा राकेश, उठ गया तू? पापा जी आज चाय आपने खुद ही बना ली? अरे बेटा वो तुम दोनों सोए हुए थे तो मैंने सोचा बच्चों को क्यों परेशान किया जाए, चाय तो हम खुद भी बना सकते हैं, तो बस, और हमने तुम्हारे लिए भी चाय बना दी है, तुम बहू को और खुद भी पी लेना, ठीक है? अरे नहीं, बस वो उठने ही वाली थी। कोई नहीं बेटा। पापा जी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ बेटा। पापा जी हम अब कोई जॉब करना चाहते हैं।
जॉब। बेटा ये बात तो हमने तुमसे शादी से पहले ही बोली थी कि बेटा पहले कोई जॉब देख लो, अच्छी सी नौकरी कर लो, उसके बाद शादी कर लेना। खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे ही कॉलेज में एक टीचर की जगह खाली है, हम बात कर लेंगे। हाँ पापा जी आप बात कर लेना, हम कैसे भी जॉब कर लेंगे वहाँ पर। नहीं बेटा हम बात कर लेंगे, हमने पहले ही सोच रखा था, तुम निश्चिंत रहो। आज हमें आरती ने बहुत बुरा भला कहा। बुरा भला कहा, लेकिन क्यों? वो कह रही थी कि उसे आईफोन चाहिए। तो बेटा तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम आज ही बहू को आईफोन दिला देंगे। नहीं पिताजी, वो आपकी कमाई से आईफोन नहीं लेना चाहती, वो हमारी कमाई से आईफोन लेना चाहती है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम कोई अच्छी सी जॉब करें ताकि उसे आईफोन दिला सके। बेटा याद है तुझे वो दिन शादी से पहले जब तू हमारे पास अपनी और आरती की शादी की बात करने के लिए आया था? उस दिन हमने तुमसे क्या कहा था कि बेटा बाप की कमाई से तुम 2, 4, 6, 50 गर्लफ्रेंड तक बना सकते हो, लेकिन बीवी बीवी हमेशा खुद के पैसे पर टिकती है, खुद की कमाई पर टिकती है। बेटा हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति अच्छे खासे पैसे कमाए और उसकी बीवी उसी के पैसों पर राज करे। बहू ने आज ये बात जो कही बहुत अच्छी बात कही। बेटा देर आए पर दुरुस्त आए, तुझे कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। कोई बात नहीं बेटा, हम आज ही जाएंगे अपने कॉलेज और जाकर वहां एक टीचर का पद खाली है, वहां तुम्हारी बात करेंगे। ठीक है पापा जी। जाओ बेटा जाकर नाश्ता कर लो। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे लाई, मैं लगा देती हूँ झाड़ू। अरे नहीं बेटा, तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम पर ये सब शोभा नहीं देगा, हम कर लेंगे। कोई बात नहीं लाइए, मैं लगा देती हूँ। नहीं बेटा, वैसे तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है आप बेटा लगा तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए, तुमने बेटा क्या पहन रखा है, ये सब हमारे घर की बहू पर शोभा नहीं देता। वो क्या है ना पिताजी, मुझे साड़ी पहन के ना अच्छा नहीं लगता, और हाँ नाई मुझसे ज्यादा चला जाता है मार्केट में साड़ी पहनकर, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। बेटा जब पहनोगी रहोगी तो अपने आप आदत हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन मार्केट हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम अकेली नहीं जाओगी। क्या इसमें नई बात है, मैं जाती नहीं हूँ क्या मार्केट? चली जाऊंगी, सामान ही तो लाना है, मैं ले आऊंगी खुद। तो फिर एक काम करो, तुम राकेश को लेकर जाओ। तुम्हें पता है ना वो पढ़ाने के लिए गए हैं, अभी नहीं है वो घर पर, और वो आएंगे कहीं दोपहर तक, मैं कब तक उनका वेट करूंगी? तो दोपहर के बाद चले जाना बेटा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है अभी। देखो मुझसे फालतू बहस तो करो मत ना, और ना ही मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बहस करना। बस मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, और वो भी अभी। तो बेटा तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अगर जाना जरूरी है तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम इस घर से अकेली बाहर नहीं जाओगी, ये भी हमारा एक आदेश है तुम्हारे लिए। ठीक है अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो मेरे साथ, वैसे भी बस मेरे साथ जाके तुम बोरी होगे। कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है। क्या बकवास बुड्ढा है, मेरे साथ जाएगा। बहू। जी पिताजी। यहाँ बैठो। बताइए। बेटा हम तुम्हारे लिए आज कुछ लेकर आए। कुछ लेकर आए हो? ऐसा क्या लेकर आए हो पिताजी, जरा दिखाओ तो। बहू जो हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं ना, वो एक सरप्राइज है। सरप्राइज देखने से पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। सरप्राइज है, ठीक है मैं आंखें बंद कर लेती हूँ।
खोल लो पिताजी। नहीं बहू अभी नहीं, अपना हाथ इधर करो, अब खोलो। क्या आईफोन? पिताजी सच में मुझे ना आईफोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और मैंने ना राकेश को बोला भी था, लेकिन उन्होंने पैसे ना होने का बहाना बना दिया, और आप कितने अच्छे हो ना, मुझे आईफोन ले दिया। बेटा जब तुम राकेश से कह रही थी तो हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए हमने अपनी बहू के लिए आईफोन ले दिया। सच में आप ना बहुत अच्छे हो। बस बहू तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, तो तुम और राकेश हमेशा खुश रहना बेटा। ठीक है पिताजी। ठीक है, अब मैं जाऊं? बिल्कुल बेटा जा सकते हो। अब ना मैं बहुत सारी सेल्फी खींचूंगी अपनी। पिताजी ये लो आपकी चाय। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वैसे पिताजी एक बात पूछूं आपसे। हाँ बेटा। आप इस उम्र में भी सुबह सुबह योगा क्यों करते हैं? बेटा योगा करने से इंसान स्वस्थ रहता है, बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं। हम तो बेटे से भी कहते हैं तुम्हें भी करना चाहिए, और बहू तुम्हें भी करना चाहिए। चलो मैं ना कल से करूंगी। बेटा अपना एक बार फोन दिखाना। क्यों क्या हुआ? ये वही फोन है ना जो हमने तुम्हें कल दिया था? हाँ। बेटा तुमने सब क्या किया इस फोन के साथ? हमने तुम्हें इतने प्यार से ये तोहफा दिया था, तुमने हमारे तोहफे का ये हसर किया। बेटा हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने इसके ऊपर कवर लगाकर और ये टेम्पर चढ़ाकर तुमने इसकी सारी खूबसूरती को दबा दिया। तुमने बहुत गलत किया बहू, ये बहुत गलत किया। अरे पिताजी ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो, मेरी तो समझ में आ नहीं रही है। और मैंने आपका कोई दिल नहीं दुखाया, ना ही मैंने आपको हर्ट किया है। आप एक बार मेरी बात सुनो तो सही। अरे बेटा क्या सुनूं मैं, और तुमने कहने और सुनने लायक छोड़ा क्या है? बेटा अगर तुम्हें हमारा तोहफा पसंद नहीं था तो तुम्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए था, कम से कम इस तरह हमारे तोहफे का अपमान तो नहीं करना चाहिए था। अरे पिताजी मेरी समझ में सच में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। बेटा हम जो कहना चाहते हैं तुम कभी नहीं समझोगी, तुम जानती हो हमारा बेटा हमसे ना जाने कितने साल से बोल रहा था कि पिताजी हमें आईफोन दिलाइए, लेकिन हमने उसे नहीं दिलाया, लेकिन हमने तुम्हारे बिना कहे तुम्हें आईफोन दिला दिया, और तुमने इस तरह से इसका साथ ये सब किया। बेटा हमें तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है बेटा, हम बस क्या कहें, हम तुमसे कुछ कह ही नहीं सकते, तुमने हमें बहुत निराश किया है बेटे, बहुत निराश किया है। पिताजी आप मुझसे इस वजह से नाराज हो कि मैंने इस पे टेम्पर्ड और कवर क्यों चढ़ाया? देखो पिताजी एक बार दिखाइए, पिताजी देखो आप इसलिए इतना सब बोल रहे हो ना कि मैंने इस पे टेम्पर्ड जो चढ़ा दिया, अगर ये गिरेगा ना तो इसको ना कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही ये टूटेगा और ना ही इस पे कोई क्रेच आएगी, तो बस इसीलिए तो मैंने ये चढ़ाया है। लेकिन बेटा तुमने आईफोन की सारी खूबसूरती दबा दी, ये कवर इसके ऊपर चढ़ाकर तुमने इसकी सारी खूबसूरती को ढक दिया बेटा। बस आप इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। पिताजी एक बात बताऊं, ये कबर चढ़ाने से ना और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि कबर चढ़ाकर तो और भी अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना वीआईपी लग रहा है ये, खूबसूरती तो ढककर अच्छी लगती है ना। बस बेटा बहू हम तुम्हें यही समझाना चाहते थे, याद है तुम्हें वो दिन जब हम लोग मार्केट गए थे? ओहो क्या माल जा रहा है। पिताजी मुझे ना इस वाली मार्केट से शॉपिंग करनी है, तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है बेटा तुम चलो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। ठीक है मैं यहीं मिलूंगी। ठीक है बेटा। अब बहू को कैसे समझाना है हम अच्छे से समझ रहे हैं। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं बेटा, खूबसूरती को जितना ढककर रखोगे ना खूबसूरती उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, बस इसीलिए
हम तुमसे यही कहते हैं कि साड़ी पहनो, शरीर को जितना छुपाओगे उतना खूबसूरत दिखेगा। बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, ये समाज की गंदी नजर तुम्हारी खूबसूरती को खा जाएगी। बस बेटा हम तुमसे यही चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि तुम आज के बाद संस्कारों का पालन करना, वो घर में और घर से बाहर कहीं भी जाओ तो बिना साड़ी पहने सर पर पल्लू रखे बिना मत जाना। शायद अब तुम्हारी हमारी बात को समझ में आई हो। ठीक है पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हाँ जो गलती मुझसे पीछे हो गई है मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं भूल गई थी कि अब मैं किसी के घर की बहू हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ, और मैंने अपनी तो इज्जत उछलवाई ही लोगों से और आपके घर का भी अपमान करवाया। लेकिन हाँ अब मैं ये सब नहीं करूँगी, और तो घर से बाहर जाऊँगी तो या तो आपके साथ या राकेश के साथ जाऊँगी, कभी अकेली नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ पिताजी, खूबसूरती को जितना ढककर रखोगे ना वो और खूबसूरत होगी। बस बेटा हमें तुमसे यही उम्मीद थी, हम तुम्हें यही समझाना चाहते थे। ठीक है।